So चर्चा करने के प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज पहला टॉपिक है गीता से, मतलब पूरा गीता से करीबन 50 एक टॉपिक है जो गीता समरी है। तो विल ट्राई एंड डिस्कस दैट। विषय में कौन हो और मौत के समय क्या होता है, ये हम लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है, मैं कौन हूँ। जी ब्रो प्रभु जी, प्लीज कुड यू रिकॉर्ड द लेक्चर। यस, आई विल टर्न इट ऑन। यस, वन सेकंड। थैंक यू। यस, नाउ इट इज रिकॉर्डिंग। तो ये जो सवाल है, इसका जवाब गीता में बहुत सरल तरीके से, भगवद गीता में दूसरा अध्याय में भगवान देते हैं, मैं कौन हूं, उस श्लोक हम देखेंगे। तो यहाँ पे भगवान हमारा आइडेंटिटी देते हैं। अगर लोग आज पूछते हैं कि व्हाट इज योर आईडी, तुम्हारा आईडी कार्ड क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, जब बताते हैं हमारा आईडी कार्ड ये है, पैन कार्ड ये, आधार कार्ड ये, लेकिन हमारे ओरिजिनल ट्रू आइडेंटिटी क्या है, तो भगवान यह समझाते हैं दूसरे अध्याय। बहुत सुंदर श्लोक है। और ठीक है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, भगवान को, भगवान इतना सरल तरीके से सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर किसी से पूछेंगे कि भाई क्या प्रूफ है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर ए सोल, लोग अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन अगर कृष्ण के पास जाके कोई पूछेंगे प्रभु हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये कैसे हम समझ सकेंगे, हमको जरा समझाइए, आसानी से समझाइए, तो भगवान कहते हैं देखो इसी शरीर में तुम कितने शरीर बदल रहे हो। देखो अब देखो स्क्रीन के ऊपर कितने शरीर हमने बदले हैं। तो भगवान कहते हैं वो तुम्हारा जो शरीर था जब तुम 5 साल के बच्चे थे, अभी तुम 50 साल के हो चुके हो, तो वो पहला शरीर तो उसमें तो कुछ भी नहीं रहा। और साइंस भी कहता है, वैज्ञानिक हिसाब से भी हर 7 साल शरीर कंप्लीटली रीजनरेट होता है, मतलब हर शरीर में एक एक सेल जो है वो भी नया रीजनरेट होता है, मतलब पुराना कुछ भी नहीं रहता है। एवरी 7 ईयर्स कंप्लीटली, मतलब अगर मैं अभी 50 साल का हो गया तो मैंने मेरे शरीर टोटली 7 बार मैंने कंप्लीटली शरीर बदला है, पुराना शरीर का कुछ भी उसमें नहीं रहा, लेकिन फिर भी हूँ वही व्यक्ति, वही गोपी मेरा नाम है। इसलिए इसी तरह भगवान कहते हैं शरीर बदल रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक कोई तो जो चीज है वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है, और अभी भी मुझे गोपी कहते हैं। बच्चे इतने साल के बाद कोई ये नहीं कहेगा भाई तुम्हारा शरीर तो इतना नया शरीर बदल चुका है। अगर मुझे कोई मेरा दोस्त मिलेगा जो पहले बचपन में हम मिले थे, मान लो कि 10 साल का जब था, और अभी मैं मिलूंगा, तो यो ये नहीं कहेगा कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि वो देखेगा मेरा शरीर अलग है जब मैं 10 साल का था, अभी शरीर अलग है, तो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, बोलेगा तुम वही गोपी हो जो बचपन में जानता हूं। भगवान कहते हैं कुछ तो नहीं बदल रहा है, वो है आत्मा है। इसी तरह जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, भगवान कहते हैं दूसरा शरीर मिलेगा, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है। तो भगवान जब समझाने लगते हैं कितना सरल तरीके से समझाते हैं, देखिए वेरी सिंपल, ऐसे नहीं कि भगवान को बहुत सारा बोलना पड़ता है कि कैसे तुमको बताऊं कि तुम आत्मा और शरीर, भगवान सुंदर उदाहरण देते हैं। इसी तरह गीता में आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी भगवान जब समझा देते हैं बहुत सिंपल सरल एग्जाम्पल उदाहरण देकर भगवान समझाते हैं। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट आता है, तो भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये टॉपिक हम लेते हैं कि चलो मृत्यु होने पर होता क्या है, मृत्यु के समय होता क्या है, इसका वर्णन हम देखेंगे आज। Thank you.
यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिख रहा है, भागवतम के तीसरा स्कंद और तीसरा अध्याय में भगवान कपिल द्वारा अपनी माँ देवहूति को विपरीत कर्मों को वर्णन, तीसरा अध्याय तीसवा अध्याय में आता है। भगवान कपिल देव स्वयं भगवान है और अपनी माँ देवहूति पूछती है उनके भगवान भगवत ज्ञान के बारे में, तो एक बेटा जो है अपनी माँ को ज्ञान देता है। कितना सुंदर अध्याय है तीसरा कैंटो में। तो यहाँ पे तीसरा अध्याय, यहाँ पे कपिल देव जो है जीव का विपरीत कर्म का वर्णन करते हैं। तो इस चैप्टर में तीसरा अध्याय में जो है ये तीसवा अध्याय में हमारे सबको जीवन चरित्र आता है। काफी लोग उत्सुकता रहते हैं कि पता नहीं हम पुराने जन्म में क्या थे, हम कहां किस परिवार में थे, किस राष्ट्र में थे, स्त्री थे कि पुरुष थे, क्या किए थे, क्या करते थे, नौकरी क्या करते थे, पुराना जन्म का जो टीवी पे आता राज पिछले जन्म का, ये उत्सुकता रहती है। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि हमारा पिछला जन्म जो है भगवान यहाँ पे लिख चुके हैं हर एक व्यक्ति का जो इस क्लास सुन रहा है। साधारणतः मेजोरिटी वाइज हो सकता है कि हमारा पुराना जन्म ये हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो इस चैप्टर में भगवान एक नॉर्मल जीव जो है उसका जो प्रोग्रेशन होता है नॉर्मल सब उसका जन्म से लेकर लास्ट तक क्या होता है उसको वर्णन करता है। बहुत सुंदर अध्याय है, हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। भागवतम ऐसा ग्रंथ है इसको सिर्फ सुनना है, बाकी कुछ करना नहीं है। इस ग्रंथ की खासियत यह है कि बाकी सब ग्रंथों में आपको पढ़ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पढ़ने के बाद आपको साधना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन भागवतम मात्र सुनना है, कान के अंदर भागवतम को एंटर करने देना है। तो घर से सुन रहे हैं सभी लोग तो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होइए, एक आधा पौना घंटा सुनिए विचलित हुए बिना, ठीक है, धन्यवाद। तो इसमें मैं लेता हूं मेरी खुद की कहानी, अगर मैं मानता हूं हो सकता है कि मैं एक पुराना जन्म में मैं ये मान के चलूंगा कि मैं एक व्यक्ति था और मेरा जो जीवन चरित्र है मैं पिक्चरों के द्वारा यहां पे बताता हूं, ठीक है। तो भगवान शुरू करते हैं अध्याय, भगवान ने कहा जिस प्रकार बादलों को समय वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तो कपिल यहाँ पे कहते हैं कि आदमी को काल जो है जैसे बादल रहते हैं, बादल को पता ही नहीं चलेगा कि काल ये वायु जो है कितना प्रभावशाली है, लेकिन जैसे वायु अगर जोर से आया तो उस बादल को कहीं भी फेंक देते हैं, यहां से बादल थोड़े ही मिनट में पूरे पृथ्वी के कहीं और भी लेके जा सकते हैं, इतना उस वायु का प्रभाव है। तो वायु का प्रभाव, वायु का कंपैरिजन किससे दे रहे हैं कपिल देव, समय से, काल। जब हम 10 साल के रहते हैं 16 साल के रहते हैं हमको लगता है अभी तो हम सिर्फ जवान, हम नौजवान है 16 साल के, अभी तो बहुत टाइम है। धीरे धीरे पता चल जाता है कि ओ 16 तो अभी 20 के हो गए, 25 के हो गए, 30 के हो गए, पता नहीं कैसे पता 50 साल आ ही जाते हैं। सबको एक्सपीरियंस है बहुत वेग से समय चला जाता है और आदमी को पता ही नहीं चलता कि किस तरह से समय जा रहा है। तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है उन उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और उसके कारण बद्धजीव उनके लिए शोक करता है। जो भी हम इस जीवन में इकट्ठा करते हैं कुछ भी हो अंततः काल जो है टाइम फैक्टर जो है इट विल टेक अवे एवरीथिंग, सब कुछ ले लेगा। सर्वश्चहारम, भगवान कह रहे सब कुछ मैं छीनूंगा काल के रूप में, मुझे दोगे तो ठीक है बेटा, नहीं दोगे मैं तो ले लूंगा तुमसे, ये काल का प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं बहुत कष्ट से जो अर्जित करते हैं वो पूरा काल जो है लेके जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कि मेरा पुराना जन्म है, देख सकते हो कि बूढ़ा हूं और बाजू में मेरी पत्नी, ये काल्पनिक मैं सोच रहा हूं कि मेरी एक आई कुड हैव बीन, गया जन्म में मैं मान लो कि अमेरिका में था और ये मेरा घर है, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन,
yes, for comparison purposes. विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थाई मानता है। ये मेरी जीवन की पुराने जीवन की कहानी है। भगवान लिख रहे हैं भागवत में क्या लिख रहे हैं कि अपना शरीर अस्थाई है, घर भी अस्थाई है, जमीन भी अस्थाई है, संपत्ति भी, लेकिन फिर भी क्या है सारे आकर्षण क्षण, लेकिन फिर भी हमेशा यही मानते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हमारी कहानी है ना, भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी ममता जो है इन चीजों में, खास करके शरीर में और संपत्ति में, हम ये सोचते ठीक है चल रहा है जब थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन मन तो यही कहता है कि बस ये सब परमानेंट है, हमको कभी भी इस चीज से निकाला नहीं जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, मान लो कि ये मेरा जब 16 साल का था मेरी फोटो है लास्ट लाइफ गया जीवन की। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता है। कपिल देव एक सुंदर बात कहते हैं यहाँ पे कि भले मनुष्य कोई भी शरीर में किस जिस प्रकार जो कोई शरीर में उसको जन्म होता है उस शरीर में वह रहने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकी भोग में ही आनंद मिलता है। हम देख सकते हैं अभी ये ट्रैफिक लाइट के पास हम रुकते हैं तो कभी कभी भिखारी लोग आते हैं और कभी कभी मन विचार होते अरे उनके कपड़े देखते लगता है कि ये कितने दिन से नहाए भी नहीं है, कपड़े गंदे हैं, शरीर भी बदबू आ रही है और बाल भी नहीं बनाए हुए हैं, बहुत गंदे हैं। हमको लगता है कि इस शरीर में ये कैसे जी रहे हैं, ये कैसे इस शरीर में सुखी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे वो उस शरीर में बहुत ही सुखी है। आपको लग रहा होगा कि इस शरीर में कितना गंदा है लेकिन उसको बिल्कुल नहीं लग रहा है, उस शरीर में ही वो खुशी महसूस करता है। भागवत में वर्णन आता है एक ऋषि की श्राप की वजह से एक बार इंद्र भगवान सोर बनते हैं, पिग, इंद्र बिकम्स अ हॉग, और वो श्राप जब हो जाता है सुअर के शरीर में से उनका समय जब हो जाता है तो फिर वापस ब्रह्मा जी आते हैं उनको लेने के लिए, चलो इंद्र अभी वापस चलिए अभी आपको जो समय हो गया इस शरीर में। इंद्र कहते हैं उस शरीर में से जो सुअर जो कहते हैं क्यों मैं नहीं आऊंगा यहां से, मुझे इस शरीर में ही रहना है। उनको उस शरीर में रह के आसक्ति होगी, उस शरीर में आने के लिए तैयार भी नहीं थे। वो कह रहे कितने मेरे अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मल मूत्र खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमको कहीं नहीं आना है, कोई स्वर्ग नहीं आना, हमको यही भी ठीक है। भागवत तो प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी उनको लेने फोर्सफुली मजबूरी लेके गए, लेकिन जीव जिस सिचुएशन में उस वहीं पे रहना चाहता है और उस शरीर में कितना भी कष्ट क्यों ना हो कभी ये नहीं सोचेगा कि शायद ये शरीर हमको त्यागना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि शरीर हम त्याग दे, नहीं, उसी शरीर में संतुष्ट रहता है। वो भले ही उस शरीर में नरक भी भोगेगा तो फिर भी उसी शरीर में रहना चाहता है। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। ये हमारे जीवन की कहानी, सात चीजें यहाँ पे कपिल देव कह रहे हैं। देखिए ये कौन कह रहे हैं, ये भगवान कपिल देव कह रहे हैं, ये स्वयं भगवान है जिन्होंने हमको बनाई है, हमारी जीवन पूरी कुंडली जानते हैं आप, और कब की कुंडली, करोड़ों जन्म की हमारी कुंडली भगवान जानते हैं, हमने क्या किया इतने जन्म में सब कुछ जानते हैं। ऐसे मेरी नहीं, हर एक जीव की भगवान कुंडली जानते हैं। वो कह रहे हैं कि सात चीजों में जो है प्रगाढ़ आसक्ति की वजह से हम अपने पूरे जीवन इसी में चलाते हैं। क्या सात चीजें हैं, शरीर नंबर वन, पत्नी जो भी है, स्त्री को मानना चाहिए कि पति में आसक्ति, पत्नी, घर, संतान, पशु, कुत्ते वगैरह रखते हैं या फिर गांव में गाय वगैरह रखते हैं, संपत्ति और मित्रों, फ्रेंड्स के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण कारण ही, बस इसी में जीव सोचता है कि भाई यही स्वर्ग है। ये सात चीजों की वजह से उसको शरीर, भले शरीर कितना भी कठिन हो, गाढ़ आसक्ति बन जाती है। यहाँ पे देख सकेंगे उस मेरा परिवार का वो फोटो है। उसके बाद
यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है जिससे वह अपने तथा कथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। चिंता हमेशा टेंशन लेके घूमते रहते हैं लेकिन कुछ न कुछ ऐसे कुछ कार्य कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन सात चीजों का भरण पोषण करना है। सभी प्रकार का अनिष्ट कृत्य करते रहते हैं। अभी आईटी में भी देखिए, इसमें भी लोग यहाँ पे 12, 13, 15 घंटा तक लोग काम करते हैं। जब 24 घंटा हमारे पास समय है, 15 घंटा हम काम पे करें। घर में भी बैठ के ही सुबह 5 बजे उठे तो लैपटॉप शुरू कर दिए और रात को 10-11 बजे तक लैपटॉप चालू है। कितने घंटे काम करते, अनिष्ट है कि नहीं? और कैसे कभी पूरी नहीं होने वाले आशाओं के लेके, और आशाएं इतनी बड़ी बड़ी आशाएं लेके घूमते हैं कि बस हम ये करेंगे, हम 2 घर लेके करेंगे, हम ये करोड़पति बनेंगे, हम गाड़ी ले आएंगे, जितनी सब आशाएं लेके वो आशाओं पूरी करने के लिए अनिष्ट कृत्य करते रहता है। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से वो लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। अभी सबके व्हाट्सएप के डीटी प्रोफाइल में देख सकते हो, जब 16 साल का लड़का होता है तो उसका खुद का फोटो रहेगा, जब वो 24 साल का लड़का आएगा तो उसके फिर एक उसके जीवन में एक लड़की आएगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो उसकी फोटो आएगी। और उसके बाद शादी हो जाता है, उसके डीपी में उसकी शादी की पिक्चर है, पहले एंगेजमेंट की पिक्चर आएगा, उसके बाद शादी की पिक्चर आएगी, उसके बाद थोड़ी दिन के बाद देखेंगे कि उसका बच्चे का फोटो है, उसके बाद फैमिली के साथ, उस बच्चे के साथ माँ बाप भी है। इस तरह क्या है, अब स्त्री की शादी हो जाती है और यहां से और भी गृहस्थ जीवन में पूरा आदमी उलझ जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद बच्चे जब पैदा होते हैं, खास करके छोटे छोटे मीठे मीठे बच्चे बोलते हैं, तोतले भाषा में बोलते हैं, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसी में जो है वो जब तक छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल पूरा दिन छोटे छोटे बच्चों से बातें करते करते समय कहां जाता है पता नहीं चलता है। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। आसक्त ग्रस्त कूटनीति, कूटनीति मतलब अपने परिवार में देखिए पॉलिटिक्स, इस मामा से पॉलिटिक्स से, ताऊजी से कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स से, यहाँ पे पॉलिटिक्स से चापलूसी करना, पॉलिटिक करना गृहस्थ जीवन में करना ही पड़ता है, तो पारिवारिक जीवन में यही करते रहते हैं, इसके बारे में उससे बात करते हैं, उसकी बात उससे करते हैं, ये चलता रहता है। और सदैव दुखों को विस्तार करता हुआ और क्या क्या मतलब, यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है। आदमी हम समझते हैं अगर दुख का निवारण थोड़ी देर के लिए हमने किया है बस वही सुख है। सुख की परिभाषा भौतिक दुनिया में बहुत सरल है, भाई आज दुख नहीं है, सुबह से हमारा सर नहीं दुखा है, शरीर में भी कुछ कठिनाई नहीं है, तो बस ये सुख है, ये मानते चलते बस, तो क्या मानते हैं, सुखी मानते हैं अगर दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है, बस उतना ही, बाकी कोई ज्यादा सुख इसमें नहीं है। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह उसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। आज कितने तरीके से ब्लैक मनी है, कितने गलत तरीके से लोग धन कमाते हैं सिर्फ परिवार चलाने के लिए। जो भी सरकार ऑफिस में जाए यहाँ पे, वहां पे कुछ ना कुछ आपको रिश्वत देना ही पड़ता है। आज जितने भी दुकान है कोविड की वजह से, जो दुकान तो आपको जो 5 रुपए में सब्जी मिलती है वो 10 रुपए कह के बेच रहे हैं और आपके पास उसको चॉइस भी नहीं है क्योंकि जा नहीं सकते और दूर भी नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह मास्क भी लोग डबल पैसे में बेच रहे हैं हर जगह। तो क्या होता है, ये गलत तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और इतना करने के बाद क्या कहते हैं, जो भोजन बनता है घर में उसका कितना खाएगा, वो 2 रोटी तो खाएगा, उससे ज्यादा क्या खा पाएगा।
और इनके लिए अभी कपिल देव क्या कहते हैं, देखिए पहली बार यहाँ पे कपिल देव शब्द लेके आ रहे हैं, नरक, नरक का शब्द यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। देख सकते हैं अभी दूसरों को जन छीनने के लिए हम मतलब बिजनेस करते हैं, लॉस हो जाता है तब क्या करते हैं, दूसरों को धन इकट्ठा करते हैं। अभी देखिए विजय माल्या है, जितने भी लोग हैं ये दूसरों को धन क्यों लिए हैं, क्योंकि जब वो लॉस असफल रहता है फिर वो सोचते नहीं कैसे भी करके मैं फिर से पैसे लेके आऊंगा, ज्यादा पैसे लेके आऊंगा, उधार से लेके आएंगे, हम बिजनेस करेंगे, लोभ में आकर वो दूसरों को पैसे भी स्वीकार करते हैं। जितने भी आज लोन के चल रहे जितने भी बड़े बड़े बिजनेस जो डूब रहे हैं आप देख सकोगे सभी में मूल कारण क्या है, लोभ की वजह से लोन, दूसरों को धन स्वीकार करना। गृहस्थ जीवन में भी अगर हमसे अगर नष्ट हो तो बिजनेस नहीं चलता है तो आदमी क्या करेगा, लोभवश अत्यंत लोभवश अन्यों को धन स्वीकार करता है। जब वह अभाग अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। अगर वो फेल हो जाता है अपने बिजनेस में, नौकरी में भी फेल होता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर क्या होता, भरण पोषण में वो असफल माना जाएगा। देख सकते हैं हमारे कितने रिश्तेदारों में, कभी फ्रेंड्स में रहते हैं कि कुछ भी कारणवश जो है उनकी नौकरी चली गई, कितनों टाइम से वापस नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, और जिस परिवार को अच्छी तरह से पालन पोषण किए थे अभी उस परिवार का पालन पोषण वो नहीं कर पाते हैं। ये मेरा तस्वीर देख सकते हैं आप, अब मेरे उम्र हो गए, काफी उम्र हो गया। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसे सम्मान नहीं प्रदान करते जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। जब आदमी कमाता नहीं है, खास करके लक्ष्मी जब नहीं लेके आता है तो फिर क्या होता है, घर वाले जो है पत्नी बच्चे सास ससुर जो भी है फिर पहले जैसे उसको सम्मान नहीं देते हैं। और एक समय आएगा, हर एक के जीवन में ये समय जरूर आता है, ऐसी नहीं कि ये हमारी जीवन के चरित्र कपिल देव हमको सुना रहे हैं, किसी और की कहानी नहीं है, याद रखिए कपिल देव किसी और की कहानी नहीं कह रहे हैं, हमारी खुद की कहानी है। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी पुरानी जीवन की कहानी है, मेरा पुराना जीवन का जो फोटो है इस तरह मैं था किसी शरीर में। जैसे किसान अगर बैल बूढ़ा हो जाता है उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसको चारा नहीं देते, इसी तरह जब हम अगर कुछ काम के नहीं रहते हैं, खास करके इस दुनिया में अगर कमाते नहीं है, घर वालों की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल सम्मान बंद हो जाता है। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से पराठ सुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। देखिए 60-70-80 अभी 70 तो हुई नहीं, 60 हो गए तो फिर बुढ़ापे की तैयारी करना ही पड़ता है। शरीर भी देखिए शरीर कैसा हो जाता है, रूप विकृत होने लगता है, बाल आते हैं, सब जगह करचली होती है, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, मशीन लगाना पड़ता है, चल नहीं सकते हैं और मृत्यु की तैयारी करनी पड़ती है। वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और अपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ और भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता है। देखिए गृहस्थ जीवन में रहते हैं अंत यही परिणाम होगा। गृह मेदी जब होते हैं अगर वर्णाश्रम की तैयारी नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन से निकलने की तैयारी नहीं करते हैं, ये हमारी हालत होगी। क्या पालतू कुत्ते की भांति रखते हैं और घर वाले दो रोटी डालते हैं सामने वो खाते हैं लेकिन वो भी पचा नहीं पाते हैं क्योंकि तभी तरह की बीमारी होती है और काम तो कुछ कर ही नहीं।
उसे रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले से भीतर से घूर घूर की आवाज निकलती है। हमारे एक्सपीरियंस से जब कफ भर जाता है, आंख पूरा स्वेलिंग हो चुका है ड्यू टू प्रेशर विद इन, आईज आर स्वोलन, अंदर कफ भर जाता है और आदमी घूर घूर के जब बोलता भी है अंदर से आवाज आता है। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंद कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता क्योंकि वह काल के वश में रहता है। अभी सभी संबंधियों को मैसेज जाता है कि भाई ताऊ जी का समय आ चुका है, पिताजी का समय आ चुका है, अभी आप आ सकते हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद दो चार दिन और जिएंगे, ज्यादा नहीं जी पाएंगे। ये सभी रिश्तेदार जब आते हैं क्या विलाप करते रहते हैं और मैं उस आदमी से वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाएगा, क्यों? बोली बंदी हो जाती है काल के प्रभाव की वजह से। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहाय पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मर जाता है। अत्यंत दयनीय स्थिति में मरता है, पीड़ा के साथ, चेतना भी गंदी खराब चेतना। और भगवान कहते हैं गीता में, यम यम वापि स्मरण भावन, जिस चेतना से तुम मरेंगे उसी चेतना के अनुसार हमारा अगला शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय, अभी देखिए हम चर्चा कर रहे थे आज के श्लोक का, मैं कौन हूं, मृत्यु के बाद क्या होता है, यहां से ध्यान से सुनिए। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे आता है। काफी सारे लोग जाते हैं कि शरीर त्यागते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। क्यों ऐसे त्यागते हैं? क्योंकि ये जो यमदूत आते हैं इतने भयंकर रहते हैं, उसको देख के वो मलमूत्र त्यागता है। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। आप एक सुंदर पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो चमड़ी है, ये जो मेरे शरीर है, ये तो यहीं पे रह जाता है, इसको जलाया जाएगा, लेकिन मेरा जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर एक नया शरीर दिया जाता है। उसको कहते हैं यातन शरीर। मतलब एक सड़ासियत यह है कि शरीर के अंदर कितनी भी पीड़ा दे सकते, पनिशमेंट दिया जा सकता है, लेकिन आदमी मरेगा नहीं। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाद्रज कुचला जाता है और उनके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है। ये मेरे जीवन की चरित्र है। तो जब नरक लेके जाते हैं तो क्या होता है, कुत्ते काटते हैं। काटते समय अंदर से क्या याद आता है, मैंने इस जीवन में कितने भी पाप कर्म किए हैं, ये सभी पाप कर्म याद आने लगते हैं। और पाप कर्म याद आते हैं तो और भी दुखी होता है, लगे हाय हाय हमने कितने पाप किए हैं, हम इससे हम शराब पिए हैं, हम नशा किए हैं, हम इससे बुरा बर्ताव किए हैं, हम पत्नी को कितनी सताई है, इसको कितना बुरा वचन हम बोले हैं, हम चीटिंग किए हैं। ये सभी जब याद आता है आदमी और भी दुखी होता है। जिसके अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्ज बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, दोनों ओर दवाग्नि जलती रहती है। एक रास्ता हाईवे जैसा रास्ता है, यहां से समयनपुर यमराज के पास जाने के जो हाईवे की बात चल रही है, देखिए क्या है, दोनों साइड पे दवाग्नि है, नीचे बालू है, जलती हुई बालू। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसे उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर
ना तो पीने के लिए जल रहता है, ना विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। हम सोच सकते हैं अभी एकादशी, निर्जल एकादशी गई थी, कि पानी नहीं पीने से क्या हालत होता है, और इस सिचुएशन में उसको मारते कोड़े मारते मारते नीचे गरम गरम बालू दोनों साइड से दावाग्नि, इस तरह से उसको लेके जाते हैं। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। इस तरह वे 99 की दूरी से दो या तीन पलों में, दो तीन सेकंड में, लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता, प्रभुपाद कैसे उसको माइल में कन्वर्शन देते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा सा रास्ता है, और दो तीन सेकंड में पार करके और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है जिसे सहना पड़ता है। जैसे उसको यमराज के पास पहुंचा देते हैं उसकी यातना शरीर हो जाती। अभी क्या यातना दी जा रही है उसको गौर से सुनिए आप, कि हमारी कहानी है किसी और की कहानी नहीं है। नरक के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती है, और उसे सांपों बिच्छुओं ढसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाता है। आदमी जिंदा है, जिंदा रहते ही उसको जो है आंखें निकाल दी जाती है, फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों की चिरवा दिया जाता है, उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंद बना लिया जाता है। हाथी से भी उसको चीरा जाता है, और देखिए उसके अंग काटे, लेकिन देखिए सब शरीर देने में उसके पास शरीर जो हो यातना शरीर है, तो इतना कष्ट देने के बाद वो शरीर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक स्पेशल शरीर उसको दिया जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध द्रोणाचार में बीतता है, उन्हें तामिश्र, अंधतामिश्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है। इसको हम कहते हैं अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, हम करेंगे उसके लिए स्पेशल नरक है, उनका नाम है तामिश्र और अंधतामिश्र। इस नरक में क्या किया जाता है यहां सुनिए। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती है। एक्चुअली लोग कहते हैं क्या प्रूफ है कि नरक है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी नरक के अनुभव तो कर ही रहे ना, अब इतने पीड़ा में भी कितने लोग हैं। यहाँ पे अभी एक आदमी है, उम्र वाले आदमी है, लेकिन उनको कोविड हो गया तो उनकी हॉस्पिटल में कहीं और अलग रख दिए, उनके परिवार को अलग रख दिए, उस आदमी को मृत्यु हो गया और उनका पूरा अंत्यक्रिया ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, उनके अंत समय में उनके परिवार वाले कोई भी नहीं थे उनके पास, नरक नहीं तो क्या है। तो नरक यहाँ पे भी देखने को मिलता है, लेकिन नरक कंप्लीट नरक, उसका परफेक्शन जो है वो नरक ऊपर मिलेगा। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है, और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। अगर हम गलती करते हैं, अगर हम दो नंबर के धंधा करके हम अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, हमारे घर वाले भी उसमें भागीदार रहते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई घर का आदमी जो है वही चीटिंग कर रहा है, वही झूठ बोल रहा है, नहीं, वो पाप में, क्योंकि उसी पैसे से घर चलता है, तो घर में जितने भी लोग हैं उन सब को भी पाप लगेगा, उनको भी नरक लिया लेके वो भी नरक जाएंगे। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक में अंधतप्र भागों में जाता है, और अन्य जीवों के साथ ईशक करके उसने जो धन कमाया था वही पाथे के रूप में उसके साथ जाता है, और इतना धन जो कमाता है जिंदगी भर, पैसा पैसा, उसका एक पैसा भी, एक कौड़ी पैसा भी लेकर जाएगा, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना पड़े। इसलिए चाणक्य के पंडित कहते हैं धन जो है जब तक है इस भगवान की सेवा में लगाइए, फिर वो जो तुम्हारा सुकृति बनेगी वो तुम्हारा साथ आएगा, लेकिन यह धन तो यहीं पे रहेगा है। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकी अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई, बहुत टाइम तक उसको नरक में रहना पड़ता है। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए ललायित रहता है, वह निश्चित ही अंधतामिश नामक
गहनतम नरक में जाता है। देखिए अगर मनुष्य जीवन है हम सदैव इसमें ही व्यस्त रहे कि परिवार पालन को देख काफी लोग देखते हैं। जब आप कहिए कि प्रभु आप आइए क्लास में, गीता क्लास में, नहीं कैसे कि कैसे क्लास में आए, हम बिजी हैं, कुटुंब का पालन पोषण करना है, बच्चों को ये स्कूल लेके जाना है, फिर परिवार में ये करना है, वो काम है, सदैव यही काम है, हमेशा इतने उसमें उलझे हुए रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये सब जो कर रहे हैं इसके पीछे कोई है, कोई देने वाले कौन है, कौन है ईश्वर, अगर नहीं सोचते हैं। और सदैव खास करके भगवान क्या कह रहे हैं, कुटुंब के पालन पोषण में निरंतर इसी में लगे हुए रहते हैं, दिन रात कुटुंब का पालन पोषण करने में, तो क्या होगा, वो लालायित रहता है उसमें, लालायित मतलब वो सोचते रहते हैं और क्या करूं कुटुंब में, बेटी को पढ़ाऊं, बेटी को पढ़ाई, अच्छे कपड़े लेके देना है हमको, यहाँ जाना है, फिर विदेश लेके जाएंगे, फिर वो करेंगे, ये करेंगे, घर करेंगे, फर्नीचर बिठाएंगे, हमेशा यही सोचेंगे, वॉशिंग मशीन लेके आएंगे, पिक्चर देखेंगे, सदैव इसमें घूमोगे तो काल के प्रभाव क्या होगा, अनिश्चित ही अंधता मिश्र एक नरक है और बहुत घोर नरक है। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतर रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी और मनुष्य पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। नरकों में जो वर्णन है, छठा अध्याय में नरकों में वर्णन है, बहुत साल तक, करोड़ों साल तक उस नरकों में यातना हमको भुगतना पड़ता है। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, कपिल देव कहते हैं पशु जीवन में, उसके बाद ऐसा नहीं कि नरक से सीधा हम पृथ्वी पर नहीं आने वाले हैं, फिर हमको भेजा जाएगा पशु योनि में, फिर पशु योनि में कितने टाइम तक पशु योनि में जी, जितना भी पशु, कितने भी लाखों पशु योनि में घूमने के बाद घूमते घूमते अंत में इस पृथ्वी पर फिर मनुष्य रूप में पुनः जन्म लिया जाता है। तो ये अगर मेरी कहानी मानोगे तो यही कहानी देखिए, उस वक्त देख सकते हैं कि मैं मान लो कि वो एक काल्पनिक मैं कह रहा था, मैं एक आदमी था, उसके बाद पूरा मेरे जीवन कहानी देखिए आप, लास्ट में क्या हो गया, कितना सुंदर मैं था बचपन में, लेकिन तकाल की प्रभाव से होते 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 कितना बूढ़ा हो गया, मर गया, उसके बाद मुझे कहां तक जीना पड़ा, इतना नरकों मुझे भोगना पड़ा। इस तरह देखते हैं अगर ये हमारे जीवन की, लोग कहते हैं मौत के बाद क्या होता है, साधारणतः अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, ये मौत के बाद ये हमारी कुंडली है। इस अध्याय में भगवान ने साधारण जितने भी मनुष्य है उन पूरे के सभी लोगों की भगवान ने कुंडली लिख दी है कि भाई तुम्हारा गया जन्म का राज क्या है, कोई राज नहीं है इसमें, कौन सी राज की बात है, ये ही स्टोरी जो है सबकी कॉमन स्टोरी है, कुल अलग से नहीं है। हाँ बाजू वाले मिश्रा जी है वहां पे, कोई भी हो, सभी की यही मेजॉरिटी, जितने भी परिवार, इतने भी आप 7 बिलियन मनुष्य जीवन पे जीवन की संख्या है, सभी की यही मोटा मोटी यही कहानी है भाई, इसी में रच पच के कुटुंब जीवन में पूजा रचा पचा आदमी काल कब आएगा पता नहीं चलेगा और कैसा वो मरेगा, और क्योंकि इतने पाप किए हैं तो इस यहाँ पे तो छोटा ही वर्णन किया गया, तो इसे एक्चुअली सीखने का मतलब क्या है, भगवान कहते हैं कि देखो इस भौतिक दुनिया जो है, तीसरा अध्याय में भगवान कहते हैं कि सांख्य योग के माध्यम से भगवान सिखाते हैं कि ये जो दुनिया है एक कठिनाई जगह है, भगवान कहते हैं बहुत गंदी जगह है, यहाँ पे दुख ही दुख मिलेगा, तो यहाँ पे शरीर त्यागने के बाद जो यातना है उसका वर्णन करके भगवान हमको सतर्क कर रहे हैं, इसको सोल्यूशन ढूंढिए, आप हमेशा इतना संतुष्ट नहीं रहे जिस शरीर में हो उसी शरीर में हमेशा संतुष्ट, भाई हमारे जीवन से हम संतुष्ट हैं, हमें किसी चीज की कठिनाई नहीं है, इसी में संतुष्ट मत रहो, काल इतना प्रभावशाली आएगा, कब देखिए उसको जो मैं दिखा रहा था उस पिक्चर में कब आया पता ही नहीं चला, 102 वर्ष हो गए और खत्म हो गई कहानी। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये जीवन जो है, ये जगह जो है, इस भौतिक दुनिया एक गंदी जगह है, डेंजरस जगह है, यहाँ पे दुख वाली जगह है, खास करके कपिल देव इस अध्याय में ये कहते हैं, और क्या करना चाहिए, इसमें निकलने के प्रयास करना चाहिए, और निकलेंगे कैसे, इस युग में निकलने के बहुत सरल से उपाय दिया है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान ने कहा कि कुछ नहीं करना इस युग में, तुमको
अगर भगवान के पास वापस जाना है इस दुनिया छोड़ के नरक नहीं जा, हरे कृष्ण का नाम जपना करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, खास करके सबसे इंपॉर्टेंट भक्तों के संग में रहना चाहिए। अगर कुछ चीज हमसे बहुत इंपॉर्टेंट अगर लेना चाहते हैं ये है कि भक्तों का संग, भक्तों के संग में रहने से अपने आप तो नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छी चांस है हम आगे बढ़ेंगे और इस सिचुएशन जैसे नरक वाली सिचुएशन से हम तो अपने आप को बचा सकते हैं। कथा का यहाँ विराम देते हैं। तो आज के भगवद गीता के ऊपर गीता से कम पर करीबन 50 टॉपिक हर एक रविवार को लेने का प्रयास करेंगे। आज टॉपिक था मैं कौन हूँ और मृत्यु के बाद क्या होता है। काफी लोग बोलते हैं पता नहीं किसने देखा है नरक, यमदूत को किसने देखा है, तुमने देखा है, हम नहीं देखे हैं लेकिन जिन्होंने देखा है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने नरक बनाए हैं वो लिख रहे हैं भागवत, वो अपनी माँ से कह रहे कपिलदेव भगवान है और भगवान के नियंत्रण में ही जितने भी नरक है यमराज भगवान के नियंत्रण में काम करते, वो कह रहे हैं अपनी माँ से, उनके मुख कमल से कह रहे हैं इस नरकों का वर्णन चल रहा है। तो भागवत में नरकों को वर्णन बहुत सरल तरीके से है। हम पुराना जन्म में क्या पाप, लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं है क्या पाप किए थे, भगवान कहते तुम्हें याद नहीं होगा तो याद दिलवाता हूँ, तुम्हारे हिस्ट्री है तुम्हारे गए जन्म की। ठीक है, हम यहाँ में विराम देते हैं, करीब 8 मिनट है, किसी को सवाल है या कमेंट है हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। प्रभु ये अपने जीवन में जो ये बहुत सुंदर आपने बताया कि हम लोग को भगवान के शरणागति लेने के लिए हरे हरे जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका साथ लेना चाहिए, अपने जीवन में उस मंत्र में रुचि बने रहे उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु? माला करते हैं वो मैकेनिकल ना हो, उसमें लगातार उसमें रुचि बढ़ता जाए, उसके प्रति आस्था और बढ़ते जाए, विश्वास बढ़ते जाए, मतलब नामा अपराध से नामा भास की ओर जाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए प्रभु? ठीक है, धन्यवाद प्रभु। नाम रुचि, नाम में रुचि कैसे उत्पन्न होनी चाहिए? एक तो बात ये कि रुचि हो कि ना हो, एक पद याद रखना चाहिए, हम तो करते जाना है। पहली बात ये है रुचि के प्रति बहुत ये आसक्ति नहीं होना चाहिए कि भाई रुचि क्यों नहीं आ रही है। रुचि इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इतने जन्म से एक सोचिए, एक मेरा गया जन्म की बात चल रही है, कितने समय हम भगवान से विमुक्त हैं, मतलब इतना समय नरक में हम जा चुके हैं, इतना समय नरक में जिया मैंने, उसके बाद पशु योनि में जिया, इतना लंबा काल तक विमुख रहा हूं, तो अभी भगवान से संपर्क में आते हैं, रुचि बनना बहुत कठिन है, इतना आसानी से रुचि नहीं आएगी। लेकिन ड्यूटी की तरह की नहीं, विश्वास से, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं करते जाइए आप, एक दिन रुचि आएगी, करना चाहिए। और क्यों रुचि नहीं आएगी? क्योंकि खास करके पाप चीजें करते रहते हैं, पाप की वजह से ही हमारी रुचि नहीं आती है। वाचो वेगम मनस वेदन क्रोधा वेगम, राधेश्याम प्रभु कहते हैं ये सभी चीज कंट्रोल नहीं होते हैं हमारे, वॉट एवर इट इज, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो वाचो वेग है, खाने की लालसा है, मन की तृष्णा जो है, ये सभी चीज पापों की वजह से ही भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है। हम देखना चाहिए कि भाई हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ पे अटके हुए हैं, तो भक्तों के संग में रह के हम अपने गाइडेंस ले सकते हैं, भाई हमें जब में रुचि नहीं आ रही है प्रभु, क्या हमसे कौन सी भूल हो रही है। हमेशा भक्ति में एक मेंटोर रहना चाहिए जिसके गाइडेंस में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें सब कुछ पता है अपने बारे में, शायद नहीं हो। भक्त जो है बहुत दयालु रहते हैं, प्रभु जी आपको सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आप इस चीज में फंस चुके हो, तो मेरी राय है कि इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो एक मेंटर के, काउंसलर, गाइड के नीचे रह के उनके मार्गदर्शन पे हम करेंगे भक्ति, तो निश्चित रूप से इस टेस्ट इसमें आएगी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि भगवान गीता में जैसे बोले हैं कि मृत्यु के समय में मनुष्य का जैसा चेतना रहता है वैसा अगला जन्म मिलता है। हेलो, यस, हाँ प्रभु जी, यस बोलिए। हाँ जी प्रभु, बोलिए प्रभु।
लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि नर्क में जाता है वहां यमराज के यहाँ, लेकिन भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुरंत मतलब अगला जन्म मिल जाता है मृत्यु के जब समय जैसा जैसी चेतना रहती है, तो ये नर्क में कितने समय जाता है आदमी और कितने समय उसका जन्म होता है अगला जन्म में? नरक में कितना समय रहेगा प्रभु? अभी ये तो भगवान ने झलक दिया है तीसरा अध्याय में, इसका डिटेल वर्णन आएगा छठा अध्याय में। देखिए वहां पे 28 टाइप नरक के वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से सुनाते हैं, आप उसमें सुन सकते हो। और हजारों हजारों से ऐसे नहीं कि हजारों हजारों साल तक एक छोटी सी पाप करते हैं, एक छोटी चींटी को भी हम मारते हैं तो उसको बहुत बड़ी सजा है। एक बार चिकन खाते हैं वो लंबी बहुत कहानी है, एक बार शराब पीते हैं उसकी बहुत बड़ी सजा है, एक बार गंदी तस्वीर कुछ देखते हैं इंटरनेट पर उसकी बहुत, इस तरह लाखों साल तक उसमें आदमी को भुगतना पड़ता है। और उसके बाद पशु योनि में भी, बहुत से पशु योनि में इस तरह से बोले बहुत लंबा समय है, बहुत काल तक आदमी को इस सब में जाने के बाद उसके बाद मनुष्य जीवन उसको मिलेगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रो ठीक है प्रभु, आई थिंक विल स्टॉप हियर। और किसी को सवाल है नहीं तो अगला रविवार इसका दूसरा कंटिन्यूएशन टॉपिक हम लेने वाले हैं। गीता से ही दूसरा अध्याय में शुरू किए हैं, तो गीता में मेन टॉपिक सब्जेक्ट्स गीता से मूल टॉपिक जो है उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर। शिव गोपाल प्रभु, एनीथिंग यू वांट टू अनाउंस? आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। यस प्रभु। हां, मेरे पास प्रभु जी दो क्वेश्चन आए हैं बच्चों के। हां जी, तो एक ने पूछा है कि जैसे प्रभु जी हम लेक्चर में सुनते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, जब हम कहाँ जन्म लेंगे, कब मरेंगे, सब ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, ऐसा हम अक्सर लेक्चर में सुनते हैं कि एक ट्रेन से उतरना है, कहीं जाना है तो डेस्टिनेशन और सोर्स का पता रहता है। तो प्रभु जी जैसे आत्महत्या जब लोग करते हैं, जैसे आज ही के केस हुआ आत्महत्या था, सुसाइड केस, तो वो भी क्या पहले से डिसाइड रहता है कि ये आत्महत्या करेगा या उसका मरने का कारण ये होगा, ऐसा कुछ पहले से? देखिए ब्रो जी, आत्महत्या जब करते हैं वो जो लिखा हुआ रहता, देखिए इसमें क्या है, ये कोई गारंटी, ये मैंने किसी के नसीब में ये नहीं लिखा रहता है कि भाई आत्महत्या करेगा, इट इज नॉट रिटन इन द कुंडली में, ये नहीं रहेगा कि भाई आत्महत्या करेगा, लेकिन वो उसका फ्री विल है, उसको कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उसका एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेटली बता पाएंगे कि इसी आगे क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी विल फोरकास्ट कि मे बी इस जीवन में इस व्यक्ति का जीवन कठिन होगा और मुश्किल हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी इज मोस्टली इट्स जस्ट एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट ऑफ थिंग्स येट टू कम, इस जीवन में क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, ये एस्ट्रोलॉजी कुंडली से बता सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो निश्चित रूप से होना ही है, उसको टाल सकोगे। मान लो कि अभी देखिए, अभी पुणे में जो है अभी न्यूज आया कि बहुत बारिश होने वाली है, तो ये एस्ट्रोलॉजी कुंडली के हिसाब से बहुत बारिश होने वाली है, लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या कर सकता हूं, मैं तो अच्छा वाला दो छतरी जो है खरीद के उस बारिश में प्रोटेक्शन अपने आप को देता हूं। तो एस्ट्रोलॉजी इन दैट गिवन इंडिकेटर प्रभु, बट यू कैन ऑलवेज प्रोटेक्ट इट एंड बाय ओवरकम व्हाटएवर इज साइन। डज इट मेक सेंस प्रभु? प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन इज, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जैसे कि हमें अपने कर्म के हिसाब से नेक्स्ट शरीर मिलता है, जैसे कि नल कुबेर लोगों को नेक्स्ट शरीर मिला क्योंकि वो तालाब में जिस तरीके से स्नान कर रहे थे तो उनको वृक्ष का शरीर मिला, उसी प्रकार तुलसी महारानी का जो है, तुलसी महारानी का भी ऐसा कुछ है क्या कि कोई बहुत पुण्यात्मा को वो मिलता है? ये क्वेश्चन है प्रभु जी स्टूडेंट का। अच्छा, तुलसी महारानी श्री वो शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी, उनको कर्म को लाजक, उनको कर्म की एंगल से हम नहीं देख सकते हैं प्रभु। नल कुबेर को भी उनके उनके कर्म के हिसाब से गलत कर्म किए थे, तुरंत उनको श्राप मिल गया, और उसके बाद अच्छा ये था कि उसके बाद भगवान से, भगवान के हाथों से उनका कल्याण हो चुका है। तुलसी महारानी भक्त है प्रभु, उनको वी कैन नॉट सीन दैट एंगल। थैंक यू प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु जी. आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन प्रभु जिसका भी क्वेश्चन था आई एम नॉट सैटिस्फाइड यू कैन गिव देम माय फोन नंबर प्रभु. इट्स आई कुड नॉट गेट कि क्या वो पूछना चाहते हैं. अगर वो ठीक से संतुष्ट नहीं हुए हैं मुझे उनका नंबर दीजिए या फिर मेरा नंबर उनको दीजिए एंड आई कैन टॉक सेपरेटली एंड शो दैट दे गॉट द आंसर प्रॉपर्ली. ठीक है प्रभु. ठीक है ठीक है. तो अगला रविवार उसको हम जारी रखेंगे. तो कृपया इस संडे फीस्ट में आने के प्रयास करिए और भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति को करिए दृढ़ता से करिए. देखिए भागवत में कितना सुंदर सुंदर तरीके से दिया गया है हम भक्ति नहीं करेंगे हमारे ये दशा होने वाली है. तो भक्ति तीव्रता से करिए ध्यान पूर्वक जप करने के प्रयास करिए जितना समय मिले उतना गीता भागवत पढ़ने के प्रयास करिए. ठीक है अभी हम विराम देते हैं. ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय. भगवाद की जय. गौर भक्तरुण की जय. वंदना कलशरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय.